दिया हुआ है स्मार्ट कनेक्ट इसमें, और हम लोग मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के द्वारा अपने TFT कंसोल के साथ। तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये साइड में आप बटन्स देख रहे हैं, है ना, इससे मैं मेनू एक्सेस कर रहा हूँ। मेनू में गया मैं, इसमें सबसे नीचे में जो है प्रेफरेंसेस में दिया हुआ है कनेक्टिविटी में पेयर डिवाइसेस। अब मुझे पेयरिंग करना है अपना मोबाइल, तो ये पेयरिंग डिवाइसेस में गया मैं। इसके बाद पेयर न्यू डिवाइस, और ये ऐप से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। स्कैन डिवाइसेस या ब्लूटूथ का नाम आ गया गाड़ी का। ये पेयर कर रहा हूँ पास की, तो ऊपर लिख के आया था पेयरिंग सक्सेसफुल। अब मेरा आप देख पा रहे हैं पेयर डिवाइसेस इसमें लिख के आ रहा है। तो ये मेरा डिवाइस जो है कनेक्ट हो गया है, मोबाइल जो है मेरा कनेक्ट हो चुका है मेरे TVS अपाचे RR 310 BTO के साथ। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। ऐप में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे मैं कनेक्ट करके आपको दिखा दिया हूँ। तो इसमें मेनूज में मैं देख रहा हूँ, तो सबसे पहले है व्हीकल ओवरव्यू में मुझे मिलता है ओडोमीटर, मेरे राइड्स, टॉप स्पीड, और मेरा बेस्ट कितना रहा 0 to 60 km में, और 0 to 100, और कितने टाइम में मैं कितने सेकंड में कवर किया हूँ 0 to 60, 0 to 100, वो आता है व्हीकल ओवरव्यू में। दूसरा मेनू है लास्ट राइड इन्फॉर्मेशन, लास्ट टूर के बारे में, लास्ट राइड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है, मुझे माइलेज क्या मिला है उस राइड में, पर्टिकुलर राइड में, लास्ट राइड में, और पर 100 किलोमीटर पे कितना मुझे पेट्रोल, कितना लीटर पेट्रोल का यूज़ हुआ है, वो मुझे इस मेनू मिलता है। इसके बाद में तीसरा मेनू है माय राइड्स में मुझे मिलता है इन्फॉर्मेशन, डेट का इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन, इसमें मेरा फेवरेट जो राइड्स रहेंगे उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है। इसके बाद में है सर्विसेस, सर्विस गाड़ी का जो सर्विस करना पड़ता है, अभी मुझे गाड़ी का जो है सर्विस मैनुअल कैरी करने की जरूरत नहीं है, इस ऐप के थ्रू जो है मैं अपना सर्विस जो है वो बुक कर सकता हूँ, और मेरा सर्विस रिमाइंडर आता है कौन से तारीख को मुझे सर्विस के लिए जाना है, या मैं पहले से अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, सर्विस बुक कर सकता हूँ, और सर्विस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो हिस्ट्री है हमारा सर्विस का जो हिस्ट्री है वो पूरा उसमें आ जाता है। इसके बाद में सेटिंग्स में दिया है डू नॉट डिस्टर्ब, जैसे ब्लूटूथ के साथ मेरा मोबाइल कनेक्ट रहेगा ऐप के थ्रू, तो मुझे अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो मैं DND ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब, तो ये मुझे कोई भी कम्युनिकेट नहीं करेगा बाइक के साथ। और इसके बाद में है ओवर स्पीड लिमिटर, आप जो है ओवर स्पीड लिमिटर उसमें ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी स्पीड लगता है कि ये ओवर स्पीड लिमिट के लिए मुझे सेट करना है, तो उस पर आपको अलर्ट आते जाएगा, उस स्पीड में आपको पर्टिकुलरली अलर्ट आएगा कि ये ओवर स्पीड अलर्ट है। इसके बाद में है लोकेट व्हीकल, मेरा व्हीकल जो है कहाँ पे खड़ा हुआ है ये आपको मैप में दिखाएगा, तो बहुत ही अच्छा फीचर है। आपके यानी बाइक कहीं पे भी खड़ी है तो आपको ये मैप पे लोकेट करेगा कि आपका बाइक कहाँ पे खड़ा हुआ है, पार्किंग कहाँ पे है, या राइट पोजीशन में है, राइडिंग में है, तो आपको ये पूरा व्यू दिखाएगा मैप पे। इसके बाद में है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, अभी मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, मेरा गाड़ी का RC हो गया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस के पेपर्स, तो मैं कोई भी 3 डॉक्यूमेंट जो है मैं अपने गाड़ी में बाइक पे कंसोल में मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, तो मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर से मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको डाउनलोड करूँगा और अपने बाइक पे अपलोड कर दूंगा ब्लूटूथ के द्वारा, तो मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे फीचर्स इसमें हमें मिलते हैं। राइड्स के लिए जो है इसमें मैं टूर नाउ का ऑप्शन आता है, टूर नाउ में अपना जो है गाड़ी का स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मुझे मैप पे मोबाइल पे मैप आएगा, मैप में मुझे लोकेशन सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, जैसे मैं अभी राजूरा में हूँ तो मुझे यहाँ से नागपुर जाना है, तो मैं नागपुर सिलेक्ट करूँगा, तो मुझे टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा मेरे डिस्प्ले कंसोल पे, TFT कंसोल पे, बाइक पे। तो बहुत सारे बंडल हैं इसमें, तो ये बहुत ही यूजफुल ऐप है TVS कनेक्ट।